पथ पत्नी एक दिल छुलाने वाली कहानी। लड़का गरीब था और उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी। लड़की भी कोई अमीर के खानदान की नहीं थी, फिर भी लड़के से थोड़ी अच्छी परिस्थितियों वाले परिवार से ताल्लुक रखती थी। शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के लिए परिस्थितियां कठिन होती जा रही थी। पति बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करने लायक पैसा कमा पाता था। पत्नी भी परिस्थितियों को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वह कोई डिमांड बिल्कुल नहीं करती थी जिससे उनका खर्चा बढ़े। एक दिन सुबह सुबह पत्नी ने अपने पति से कहा, देखिए जी, मेरी हेयर क्लिप टूट गई है, अगर हो सके तो एक नई खरीद कर ला दीजिए, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं और बिना क्लिप के उन्हें संभालना काफ़ी कठिन हो जाता है। पति पहले तो चंद सेकंड तक कुछ नहीं बोल पाया, फिर उसने पत्नी से कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम फिलहाल हमारी जो कंडीशन है उसे भली भांति परिचित हो। देखो, मेरे हाथ की घड़ी कई महीनों से बंद पड़ी है, मैं उसे भी ठीक नहीं करा पा रहा हूँ। अब तुम ही सोचो, मैं तुम्हारे लिए नई क्लिप कैसे खरीदूँगा। पति अपने काम के लिए निकल गया, लेकिन पूरा दिन वह यही सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने पहली बार उससे कुछ मांगा था और ऐसी वस्तु मांगी थी जो उसे खुद ही अपनी पत्नी में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, यानी कि बालों का रखरखाव करने की वस्तु। पति को उसकी पत्नी के सुंदर घने बाल बहुत पसंद थे और वह उसे क्लिप लाकर देने के बजाय उसे अपनी मजबूरियां गिना कर आया। दूसरी तरफ पत्नी को भी काफ़ी अफसोस हुआ। वह सोचने लगी कि वह तो अच्छे से जानती थी कि उसका पति कितनी कठिनाई से खाने पीने के लिए पैसे कमा पा रहा है, उसको नई क्लिप के लिए नहीं कहना चाहिए था। शाम को पति घर पर लौटा तो उसके हाथ में एक नई क्लिप थी। उसने खुशी से अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। जैसे ही पत्नी उसके सामने आई तो उसे पत्नी में कुछ बदलाव नज़र आया। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि उसकी पत्नी के लंबे लंबे घने बाल अब छोटे हो चुके थे। पति ने बालों में लगाने वाली क्लिप अपनी पत्नी के हाथों में देते हुए पूछा, तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? मैं तुम्हारे लिए एक नई क्लिप लेकर आया हूँ। पत्नी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई नई घड़ी पति के हाथ में पहनाते हुए कहा कि अब मुझे इस क्लिप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लंबे बाल काट कर उन्हें बेच दिया था और उनसे जो पैसा आए उनसे मैंने आपके लिए घड़ी खरीद ली। पत्नी की बात सुनकर पति की आंखों से आंसू निकल आए। पत्नी ने पति के आंसू पोंछते हुए पूछा कि आप यह क्लिप के लिए पैसे कहाँ से लाए? पति ने कहा कि मेरी जो घड़ी बंद थी उसे तो मैं रिपेयर करवा नहीं पा रहा था और तुम्हारे लिए मुझे क्लिप लेनी थी, तो मैंने उस बंद घड़ी को कुछ रुपए में एक घड़ी वाले को बेच दी और उन पैसों से तुम्हारे लिए क्लिप खरीद लाया। इस पर पत्नी की आंखें छलक आईं, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति बंद घड़ी को भी इसलिए पहने रखता था क्योंकि वह घड़ी उसे बहुत ज़्यादा प्यारी थी और इतनी प्यारी चीज़ उसने अपनी पत्नी के लिए बेच दी। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि यह कहानी आपके दिल को ज़रूर छू गई होगी और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी आंखें नम हो गई होंगी। दोस्तों, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपको जीवन में सब कुछ मिले और सबसे ज़्यादा यह कि आपको इस कहानी के पति पत्नी जैसा जीवन साथी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।